हाय गाइस, क्लास 10 जो आपका सीरीज चल रहा है ग्रामर का, आइए उसमें आज हम शुरू कर रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। काइंड्स ऑफ नाउन तक मैंने आपको बता दिया था, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें पहला जो प्रॉपर नाउन है। हेडिंग बनाएंगे आप शब्द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आखिर क्या होता है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? तो प्रॉपर का मतलब होता है खास, स्पेशल, यही ना कहेंगे। अ नाउन दैट डिनोट्स अ स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्या प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देंगे, क्या कहा मैंने? जिससे किसी व्यक्ति, जिससे खास व्यक्ति, जिससे किसे क्या बोध हो, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, नाम का बोध हो। जैसे हम कहेंगे, नोट करेंगे सारे चीज को, एक एक चीज को बढ़िया से आप नोट करते चलेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे मैं कहूं रवि। देखिए, रवि किसी खास व्यक्ति का नाम हो सकता है ना? उसी तरह मैं कहूं आपको सीवान, या मैं कहूं चपरा, ये किसी खास व्यक्ति मैंने स्थान का नाम है। अगर मैं कहूं जैसे लिंक, ग्लाइसर, या मैं कहूं पार्कर, तो बाबू ये पेन है, लेकिन किसी कोई खास कलम है। इससे किसका बोध हो रहा है? किसी खास कलम का बोध हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। तो आपको बता दें कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, रवि, श्याम, मोहन, हरीश। उसी तरह किसी स्थान का नाम आ जाएगा, खास स्थान, जैसे सिवान, छपरा, लंदन, पटना, गोरखपुर एक्सेट्रा। अब कहेंगे किसी खास वस्तु का नाम, जैसे पेन तो खास नहीं है भाई, पेन में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कहूँ लिंगलाइजर, तो लिंगलाइजर क्या है? खास पेन है, तो लिंगलाइजर हो जाएगा। पार्कर हो जाएगा, अग्नि आ रहा है आजकल कलम, वो हो जाएगा। ये सब क्या है? प्रॉपर है। इनसे किसी खास व्यक्ति, मैंने इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो रहा है। अब उसी में कहेंगे कोई शहर का नाम, जैसे हमने किसी खास शहर का नाम ले लिया, लंदन, पटना, छपरा, ये सब क्या है? किसी खास स्थान का बोध हो रहा है। आगे बढ़ते हैं,
अब इसमें एक चीज और आप सीख लीजिए, प्रॉपर नाउन आप समझ गए कि इसको कहते किसे हैं प्रॉपर नाउन, लेकिन प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ बातें हैं उसको गौर कर लीजिए, इसको नोट में लगाइए। लिखेंगे सम इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर प्रॉपर नाउन। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन से संबंधित, इसको समझिए। पहला, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल अक्षर से लेटर अक्षर से लिखा जाता है। ध्यान देंगे, मैंने आपको ये बताया कि प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा जाए तो उसके लिखने का तरीका ये है कि उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा। जैसे हम एक वाक्य लिखें, जैसे हम कह दें कि इंडिया इज अ बिग कंट्री। ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ गलत है, क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। और अभी आपको हमने क्या सिखाया कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से। ये आपको ऐसे लिखना होगा, इंडिया इज अ बिग कंट्री, ये आपका बात सही हो जाएगा। चलिए, ये तो आपने देखा कि इसको शुरू में लिखा है, तो आपको ऐसे भी कोई बताया होगा या बताया जाता है कि कोई भी वाक, कोई भी शब्द शुरू में लिखा जाए वाक के, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कहें लिखा हुआ मिल जाए कि वी नो डैट अकबर वाज अ ग्रेट किंग, ये वाक आपसे दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये सत्य सही है या गलत। तो ध्यान से देखिए, ये वाक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें अकबर लिखा है, अकबर बाबू किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो किसी खास व्यक्ति का नाम है तो यहाँ अकबर जो लिखा हुआ है, देखिए ये स्मॉल लेटर से लिखा गया है, हालांकि ये वाक के बीच में है, लेकिन है क्या प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के लिए मैंने आपको क्या बताया है, सदैव वह किसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से। तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि वी नो डैट अकबर वाज अ ग्रेट किंग, और ये बात सही हो जाएगा। ये था आपका प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन का वीडियो मात्र आपको मैं 10 मिनट का दिया हूं। आपसे फिर कह रहा हूं कि आप इसको गौर से पढ़िए, 10th के बच्चे खूब ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बिहार बोर्ड में, खासकर मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि आपका पढ़ाई स्कूल में होता नहीं है, और इसलिए मैं फ्री में आपको दे रहा हूं। बस सब्सक्राइब कीजिए, किसको सब्सक्राइब करना है, इंग्लिश वाला आर रंजन सर, सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में सब कुछ पढ़िए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो फिर देंगे, अब वो रहेगा आपका कॉमन नाउन का। फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए गुड बाय।